पूरी दुनिया कोल्ड वॉर की त्रासदी झेल रहा था। इसी दौरान अफ्रीका के कांगो में भी गृहयुद्ध छिड़ गया। स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो गई थी कि मामले में संयुक्त राष्ट्र को दखल देना पड़ा। उसने भारत से मदद मांगी। भारत ने फैसला किया कि मदद के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी अफ्रीका भेजी जाए। इस टुकड़ी का हिस्सा थे गुरबच्चन सिंह सलारिया। बचपन से ही सेना में जाने का सपना सजोने वाले गुरबच्चन सिंह सलारिया का जन्म 29 नवंबर 1935 को शकरगढ़ के जनवल गांव में हुआ था। उनके पिता मुंशी राम ब्रिटिश भारतीय सेना के हॉडसन होर्स के डोगरा स्क्वाड्रन का हिस्सा हुआ करते थे। यही कारण था कि घर में शौर्य की कहानियां बहुत आम थी। गुरबच्चन सिंह ने अपना सपना पूरा भी किया। वो सेना में भर्ती हुए। साल 1960 से पहले कांगो पर बेल्जियम का राज हुआ करता था। जब कांगो को बेल्जियम से आजादी मिली तो कांगो दो गुट में बट गया और वहां सिविल वॉर शुरू हो गया। 5 सितंबर 1961 को दुश्मनों ने एयरपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय मुख्यालय की तरफ जाने वाले रास्ते एलिजाबेथ विले को घेर लिया और रास्ते को बंद कर दिया। इन दुश्मनों को हटाने का मिशन गोरखा राइफल्स के 16 सैनिकों की टीम को सौंपा गया। टीम को लीड करने की जिम्मेदारी कैप्टन गुरबच्चन सिंह की थी। कैप्टन गुरबच्चन सिंह के सामने चुनौती थी क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके पास हथियार भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन गोरखा पलटन ने देखते ही देखते दुश्मन दल के 40 लोग मौत की घाट उतार दिए। लेकिन विद्रोहियों पर काबू करने में वो स्थिति भी आई जब कैप्टन सलारिया खून से लथपथ थे। बावजूद इसके इस जाबाज भारतीय ने अपने घुटने नहीं टेके और दुश्मन को छुपने पर मजबूर किया। लड़ाई में 2 गोली कैप्टन के गले पर लगी लेकिन वो पीछे नहीं हटे। 5 सितंबर 1961 को सिर्फ 26 साल की उम्र में कैप्टन गुरबच्चन सिंह सलारिया शहीद हो गए। उन्हें सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज उनकी जयंती पर सुदर्शन परिवार उन्हें शत शत नमन करता है।